हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर फाइव मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के एन क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं अगर अभी तक आपने चैप्टर वन टू थ्री एंड फोर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्ले साइंस क्लास सिक्स से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट ऑफ टेबल फाइव पॉइंट फाइव सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम सेकेंड मैच द द विद यूनिट्स सुबल फॉर मेजरिंग दोबल फाइव पॉइंट फाइव के कॉलम फर्स्ट में कुछ लेंथ्स दी हुई हैं और सेकेंड कॉलम में इन्हें मेजर करने के लिए यूनिट्स दी हुई हैं इन्हें आपस में आपको मैच करना है ये टेबल फाइव पॉइंट फाइव है यहाँ पर लेंथ दी हुई हैं और यहाँ पर इन्हें मेज़र करने के लिए यूनिट्स दी हुई हैं फर्स्ट पर है डिस्टेंस बिटवीन डेली एंड लखनऊ जब भी डिस्टेंस लंबा हो लॉन्ग हो एक सिटी से दूसरी सिटी तक हो तो इसे किलोमीटर में मेज़र करते हैं इसे मेज करेंगे किलोमीटर से सपोज़ ये कोई कॉइन है और दो लाइन के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो कॉइन की थिकनेस है ये बहुत छोटी आपको दिखाई दे रही होगी बहुत कम इसलिए इसे मेज़र करने के लिए यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट का कर यूज़ करेंगे अगर स्केल में आप देखें तो ये वन सेंटीमीटर है टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर और इससे छोटी यूनिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ये है मिलीमीटर में वन सेंटीमीटर इस टू होता है टेन मिलीमीटर। mm, और एक सिक्के की थिकनेस लगभग टू मिलीमीटर mm या इससे थोड़ा सा अधिक होती है इसलिए थिकनेस ऑफ कॉइन को मैच करेंगे मिलीमीटर से नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन इरेजर इरेजर की लेंथ वन सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी ये टू हो सकती है या बड़ा है तो टू से ज़्यादा हो सकती है इसलिए आप यहाँ पर इसे मैच करेंगे सेंटीमीटर से लास्ट है लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड ये किलोमीटर में नहीं होगा ना ही मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होगा ये मीटर में हो सकता है इसलिए इसे मैच करेंगे मीटर से इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन डेली एंड लखनऊ को मैच करेंगे किलोमीटर से थिकनेस ऑफ अ कॉइन को मैच करेंगे मिलीमीटर से लेंथ ऑफ एन इरेजर को मैच करेंगे सेंटीमीटर से और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड को मैच करेंगे मीटर से क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच पहला स्टेटमेंट है द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर लाइन line में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं यहाँ पर कार भी एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है इसलिए ये लीनियर मोशन है और ट्रू है सेकेंड स्टेटमेंट है एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम इज सेट टू बी इन मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित पॉइंट से और एक निश्चित समय पर अपनी पोजिशन को चेंज करता है या किसी डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे मोशन कहते हैं ये भी ट्रू स्टेटमेंट है तीसरा स्टेटमेंट है वन किलोमीटर इसको टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये फॉल्स स्टेटमेंट है इस तरह से पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट ट्रू और तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तीसरा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पर दी हुई यूनिट में से कौन सी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है यूनिट है मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर और हैंड स्पैन लेंथ की ऐसी यूनिट्स जो हर जगह और हमेशा एक सी हों उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं यहाँ पर हैंड स्पेन हर इंसान का अलग अलग हो सकता है एक जैसा नहीं हो सकता है इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जबकि मिलीमीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी सेम होगा क्वेश्चन नंबर फोर है सर्च फॉर द डिफरेंट स्किल्स आर मेजरिंग टेप एट योर होम एंड स्कूल फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्किल्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबलर फॉर्म अपने घर पर और स्कूल में आप डिफरेंट टाइप के स्केल्स और मेजरिंग टेप को फाइंड करिए सर्च करिए और ये देखिए कि इन मेजरिंग टेप या स्केल के द्वारा सबसे कम स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी मेज़र की जा सकती है और अपने ऑब्जर्वेशन को एक टेबल के फॉर्म में लिखिए आपको अपने घर में किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए दो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी पहला है स्केल और दूसरा है मेजरिंग टेप अगर मेजरिंग टेप है आपके होम पर तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी भी चीज़ को मेज़र करने की वन मिलीमीटर mm होगी आपके बैग में या फिर आपके स्कूल में आपको रोलर मिल सकता है इसकी भी मेज़र करने की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वन मिलीमीटर दूसरा टेलर्स मेजरिंग टेप भी आपको आपके घर पर मिल सकता है इसकी भी वैल्यू होगी वन मिलीमीटर और मेटल मेजरिंग रॉड भी हो सकता है जो या तो आपको आपके स्कूल में मिल जाएगा या फिर हो सकता है आपको आपके घर पर ही मिल जाए इसकी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वन मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर फाइव है सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ वन पॉइंट फाइव किलोमीटर एक्सप्रेस इट इन मीटर्स ऐसा मान लीजिए कि आपके स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस है वो वन पॉइंट फाइव किलोमीटर है अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो इसे मीटर में एक्सप्रेस करिए लिखिए आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज़ वन पॉइंट फाइव किलोमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अब इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जानना जरूरी है कि वन किलोमीटर इजल टू कितने मीटर होते हैं ये होता है वन थाउजेंड मीटर इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वन पॉइंट फाइव किलोमीटर इज्कल टू वन पॉइंट फाइव इंटू वन थाउजेंड वन पॉइंट फाइव को जब वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है टेक अ टम्बलर आर अ बॉटल मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास आर बॉटल एंड रिकॉर्ड इट इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि, कि किसी भी कर्व्ड बेस की लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे कोई भी चीज़ इस तरह से राउंड फॉर्म में है तो इस तरह से इसके चारों तरफ की लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे वो कोई ग्लास हो सकता है बॉटल हो सकता है कोई टम्बलर हो सकता है इस तरह की चीज़ों का मेज़रमेंट करने के लिए या तो आप कोई फ्लेक्सिबल मेज़रिंग टेप लीजिए या इस तरह से कोई स्ट्रिंग ले लीजिए और स्ट्रिंग को उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आपको अपने हाथ से पकड़ करके घुमा करके रखना है और उसी इस तरह से सीधा करने के बाद किसी टेप या स्केल से मेज़र करना है इस तरह के मेज़रमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी थ्रेड या स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं उसके इनिशियल पॉइंट पर एक यहाँ पर नॉट या गांठ लगा दें और उसके बाद मेज़र करने के बाद लास्ट में जहाँ पर भी मेज़रमेंट हो रहा है सपोज यहाँ तक हो रहा है तो इस स्ट्रिंग को यहाँ तक लाकर कर यहाँ पर भी एक नॉट या गांठ लगा दें सेम इसी तरह से अगर कोई ग्लास है उसकी आपको यहाँ की बीच की लेंथ राउंड शेप ने क फॉर्म में मेज़र करनी है तो स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के चारों तरफ घुमाते हुए लास्ट में यहाँ पर ला के इस पॉइंट पर ला के उसमें नॉट लगा देंगे और फिर उसे स्केल लेकर के इस तरह से एक एक स्केल लेंगे और इसके ऊपर इस स्ट्रिंग को रख करके उसकी लेंथ को मेजर करेंगे आंसर आप इस तरह से लिखेंगे मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द टम्बलर आर बॉटल यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड द वैल्यू इन सेंटीमीटर आर मिलीमीटर एज पर द टेप क्वेश्चन नंबर सेवन है मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है उसे मीटर में सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में लिखना है हाइट आप इस तरह से मेजर करेंगे सबसे पहले आप इसे मीटर में मेज़र करिए मीटर में सपोज ये 1.5 मीटर आ रहा है अब इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वन मीटर इसको होता है हंड्रेड सेंटीमीटर इसलिए वन मीटर को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर अब इस सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और वन सेंटीमीटर इसको टू होता है टेन मिलीमीटर इसलिए इस सेंटीमीटर को आप अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिली इस तरह से आपके फ्रेंड की हाइट मीटर में वन पॉइंट फाइव मीटर थी सेंटीमीटर में वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर हो जाएगी और मिलीमीटर में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिली हो जाएगी क्वेश्चन नंबर एट है यू आर गिवन अ कॉइन एस्टिमेट हाउ मेनी क्वाइंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर अदर लेंथ वाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन देम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूजिंग साइड ऑफ अ नोटबुक वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एंड द साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग अ फिफ्टीन सेंटीमीटर स्केल सपोज ये एक बुक है ये स्केल है और ये एक कॉइन है फाइव रुपीस का स्केल से आपको बुक की इधर की लेंथ को मेजर करना है और कॉइन के द्वारा इस तरह से वन बाई वन एक के बाद एक बिना गैप किए इस तरह से कॉइन रख करके इसकी लेंथ को मेजर करना है अगर इस बुक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्केल से नापने पर ट्वेंटी सेंटीमीटर आती है और ये टू सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर कितने क्वाइंस रख करके इसको मेजर किया जा सकता है या 20 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए इस तरह के कितने क्वाइंस की आवश्यकता पड़ेगी अगर बुक की इधर की साइड स्केल से नापने पर 20 सेंटीमीटर है और इस कॉइन की साइज 2 सेंटीमीटर है तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ योर बुक इज 20 सेंटीमीटर द साइज ऑफ द कॉइन 2 सेंटीमीटर देयरफॉर द कॉइन टू एस्टीमेट द नंबर ऑफ कॉइन नीडेड ट्वेंटी सेंटीमीटर यहाँ से डिवाइडेड बाई टू सेंटीमीटर यहाँ से ट्वेंटी को टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा टेन इस तरह से इस बुक को नापने के लिए स्केल की वैल्यू ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाएगी और अगर आप कॉइन से इसे मेजर करते हैं तो एस्टीमेट कॉइन्स होंगे टेन कॉइंस क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ लीनियर सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन तीनों मोशन के एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं पहला लीनियर मोशन लीनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इसका पहला एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और दूसरा है अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट कार का एक सीधी रोड पर मूव करना और किसी बॉल का एक निश्चित हाइट से नीचे गिरना सेकेंड है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है इसका पहला एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन सीलिंग फैन का इस तरह से गोल गोल मूव होना और दूसरा है मोशन ऑफ क्लॉक्स हैंड क्लॉक के हैंड्स का इस तरह से मूव होना ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे पीछे लेफ्ट या राइट right एक निश्चित डिस्टेंस को एक निश्चित टाइम पीरियड में कवर करता है ऑसिलेटरी मोशन का पहला एग्जाम्पल है पेंडुलम ऑफ क्लॉक इस तरह से घड़ी का पेंडुलम होता है जो आगे पीछे या लेफ्ट राइट मूव होता रहता है पहला एग्जाम्पल ये है दूसरा है मोशन ऑफ आ स्विंग झूले का आगे पीछे मूव होना लीनियर मोशन के अदर एग्जाम्पल्स हैं इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ देना एक निश्चित हाइट से उसे छोड़ देना किसी भी पेड़ से फ्रूट का इस तरह से सीधे गिरना किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करना पुश करना और इस तरह से क्यू बना करके एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ना सर्कुलर मोशन के अदर एग्जाम्पल हैं इस तरह से एक थ्रेड में स्टोन को बांध करके अपने चारों ओर इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में घुमाना इस तरह के झूले में सर्कुलर फॉर्म में घूमना ये ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड में बांध करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव करना इस तरह से झूले में झूलना इसमें भी लेफ्ट और राइट या आगे पीछे मूवमेंट होता है क्वेश्चन नंबर टेन है ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू इट इज ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर मेक अ लिस्ट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी एंड एंटर देन इन द टेबल फाइव पॉइंट सिक्स अपने आस पास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे लीजिए जो मिलीमीटर में हैं, कुछ ऐसे लीजिए जो सेंटीमीटर में हैं और कुछ ऐसे लीजिए जो मीटर में हैं। और इस तरह के टेबल में थ्री थ्री एग्ज़ाम्पल्स इनके लिखे। टेबल में पहले कॉलम में साइज़ लिखी हुई है मिली में सेंटीमीटर में और मीटर में इस वाले कॉलम में आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं मिलीमीटर के लिए आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर आपके घर में मिलीमीटर में जो भी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हैं उन्हें लिखिए पहला आप लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ अ वायर दूसरा डायमीटर ऑफ अ बटन और तीसरा लेंथ ऑफ अ स्मॉल स्क्रू सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आ स्मार्टफोन लेंथ ऑफ आ बुक हाइट ऑफ अ वाटर बॉटल इन सभी की लेंथ सेंटीमीटर में होगी और मीटर में आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ रूम हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और क्वेश्चन नंबर है। ट्रैक इन इन द फिगर में एक रोलर कास्टर दिखाया गया है जिसका शेप इस तरह से है बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्कैप थ्रू पॉइंट एफ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कॉस्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक इसमें यहां पर इस पॉइंट से बॉल को छोड़ा जाता है ये यहाँ से घूम करके ऐसे एफ पर जाकर के बाहर निकल जाती है स्कैप हो जाती है यहाँ पर आपके बॉल के मूवमेंट को देखना है मोशन को देखना है और ये बताना है यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में किस तरह का मोशन हो रहा है पहले ए और बी को देखते हैं ए से बॉल बी तक स्ट्रेट आ रही है एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इस तरह के मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं यहाँ पर ए से बी तक लीनियर मोशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लीनियर मोशन बी से सी तक बॉल थोड़ा कर्व के फॉर्म में घूम रही है इस तरह के मोशन को कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू सी कर्वी लीनियर मोशन इसके बाद सी से डी पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर बॉल हाफ सर्कल को कंप्लीट कर रही है इसे सेमी सर्कुलर मोशन बोलेंगे फ्रॉम पॉइंट सी टू डी सेमी सर्कुलर मोशन चलिए अब बात करते हैं डी से ई e पॉइंट की यहां पर बॉल पूरी सर्कल को कंप्लीट नहीं कर रही है हाफ सर्कल को कंप्लीट कर रही है यहाँ पर भी मोशन सेमी सर्कुलर मोशन होगा और लास्ट में बॉल ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाती है यहाँ पर एकदम स्ट्रीट लाइन में बॉल मूव करेगी ये लीनियर मोशन होगा फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ लीनियर मोशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाई herself. शी कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट प्लाईवुड पेपर क्लॉथ स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील विच ऑफ़ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई तस्नीम ने एक मीटर स्केल बनाने की सोची है उसके लिए उसने कई सारे मटेरियल्स पर विचार किया है जैसे प्लाईवुड पेपर क्लॉथ्स स्ट्रेचेबल रबर और स्टील इसमें से उसे किस मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों पहला तस्नीम को पेपर नहीं लेना चाहिए पेपर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी फ्रेजाइल डीफॉर्म विथ मॉइस्चर एंड कैन टीयर इजिली पेपर बहुत नाजुक होता है नमी से ख़राब हो जाता है और आसानी से फट जाता है सेकेंड है क्लॉथ्स इट कैन रिंकल्स आर स्टिच एफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेज़रमेंट क्लॉथ का यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिकुड़ सकता है या फैल सकता है जिसे किसी भी चीज़ का अगर मेज़रमेंट किया जाए तो वो एक्यूरेट नहीं होगा स्ट्रेचेबल रबर का यूज़ नहीं करना चाहिए इट कैन ईजीली एलोंग मेकिंग इट अन फिट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट क्योंकि रबर आसानी से फैल जाता है और ये सही मेजरमेंट के लिए अनफिट है सही नहीं है सो so, तस्नीम शुड अवॉइड पेपर क्लॉथ्स एंड स्ट्रेच रबर फॉर मेकिंग अटर स्केल क्वेश्चन नंबर थर्टीन है थिंक डिजाइन एंड डेवलप कार्ड गेम ऑन कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कार्ड गेम बनाना है इसे आपको स्वयं करना है दिस इज द एंड ऑफ यूट्यू थैंक्स फॉर वॉचिंग